नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1996 में रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे कि 1996 में सनी देओल, सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, गोविंदा, शाहरुख खान और संजय दत्त में किस सुपरस्टार की फिल्मों ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी में आपका फेवरेट एक्टर कौन है। तो दोस्तों, शुरुआत करें नंबर 8 से। तो नंबर 8 पर है बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त। आपको बता दें तो 1996 में संजय दत्त की सिर्फ दो फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी विजेता, जिस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई की थी 3.9 करोड़ रुपए। वही संजय दत्त की 1996 में दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम था नमक। लेकिन नमक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 32 लाख रुपए कमाए थे। इसी के साथ संजय दत्त की 1996 में दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई की थी 3.41 करोड़ रुपए। वही नंबर 7 पर है रोमांस के किंग शाहरुख खान। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, शाहरुख खान की 1996 में टोटल 3 फिल्में आई थी। पहली फिल्म थी आर्मी। आर्मी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 6.59 करोड़ रुपए। दूसरी फिल्म थी चाहत। चाहत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 6.87 करोड़ रुपए। वही तीसरी फिल्म थी इंग्लिश बाबू देसी मेम, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 3.78 करोड़ रुपए। यानी कि 1996 में शाहरुख खान की 3 फिल्मों ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 16.54 करोड़ रुपए की। वही दोस्तों, बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर है चीची भैया यानी कि गोविंदा सर। आपको बता दो दोस्तों, गोविंदा की 1996 में टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 13.82 करोड़ रुपए। वही 1996 में गोविंदा की दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम था माहिर, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 1.50 करोड़ रुपए। वही तीसरी फिल्म थी जोरदार, जिस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा था 77 लाख रुपए। वही चौथी फिल्म थी छोटे सरकार। छोटे सरकार फिल्म ने 1996 में बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 3.92 करोड़ रुपए। वही पांचवी फिल्म 1996 में गोविंदा की जो रिलीज हुई थी, उसका नाम था अपने दम पर, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई की थी 1.76 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, 1996 में गोविंदा सर की 5 फिल्मों ने टोटल बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 21.77 करोड़ रुपए। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर है बॉलीवुड के सुल्तान और हम सबके भाईजान सलमान खान। अब आपको बता दें दोस्तों, सलमान खान की 1996 में टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से दोस्तों उनकी पहली फिल्म थी जीत, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी 16.13 करोड़ रुपए। वही दूसरी फिल्म थी खामोशी, जिस फिल्म ने कमाए थे 6.90 करोड़ रुपए। वही 1996 में सलमान खान की तीसरी फिल्म आई थी ये मजेदार, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई की थी 32 लाख यानी कि 32 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, 1996 के अंदर सलमान खान की 3 फिल्मों ने टोटल बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 23.05 करोड़ रुपए। वही दोस्तों, नंबर 4 पर है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन सर। अब आपको बता दें दोस्तों, अजय देवगन सर की 1996 में टोटल 3 फिल्में आई थी, जिसमें पहली फिल्म थी दिल जले। दिल जले फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल कमाई की थी 10 करोड़ रुपए की। वही इस साल उनकी दूसरी फिल्म आई थी जान, और जान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे 7.75 करोड़ रुपए। और तीसरी फिल्म अजय देवगन की 1996 में रिलीज हुई थी, उसका नाम था जंग, और जंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से टोटल कमाई की थी 6.16 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों, अजय देवगन की 1996 में 3 फिल्में रिलीज हुई, और तीनों फिल्मों ने टोटल बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 23.91 करोड़ रुपए। बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अक्षय कुमार की 1996 में टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13.25 करोड़ रुपए कमाए थे। वही दूसरी फिल्म थी तू चोर मैं सिपाही, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 6 करोड़ रुपए। वही अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म जो 1996 में रिलीज हुई थी, उसका नाम था सपूत, और सपूत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 6.61 करोड़ रुपए।
इसी के साथ दोस्तों 1996 में अक्षय कुमार की तीनों फिल्मों ने टोटल बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 25,86,00,000 रुपए। वही दोस्तों बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पर है हम सबके फेवरेट अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सुनील शेट्टी सर की 1996 में टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से पहली फिल्म थी विश्वासघात। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 2,09,00,000 रुपये। वही दूसरी फिल्म थी कृष्णा, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे 9,03,00,000 रुपये। तीसरी फिल्म थी शस्त्र, और शस्त्र फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 4,80,00,000 रुपये। वही चौथी फिल्म थी सपूत, और सपूत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे 6,61,00,000 रुपये। वही पांचवी फिल्म थी रक्षक, और रक्षक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से टोटल कमाई की थी लगभग 6,62,00,000 रुपये। इसी के साथ दोस्तों 1996 में सुनील शेट्टी सर की 5 फिल्मों ने टोटल बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 29,15,00,000 रुपये। वही दोस्तों बात करें नंबर वन की, तो नंबर वन पर है बॉलीवुड के असली एक्शन सुपरस्टार सनी पाजी यानी कि सनी देओल। अब आपको बता दूं दोस्तों, सनी देओल सर की 1996 में टोटल फिल्में रिलीज हुई थी लगभग 5। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सनी देओल सर ने 1996 में 5 फिल्में रिलीज हुई थी, और इनकी पांचों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। सबसे पहली फिल्म उनकी 1996 में रिलीज हुई थी, उसका नाम था हिम्मत, और हिम्मत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे 4,81,00,000 रुपये। दूसरी फिल्म थी दुश्मनी, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 4,11,00,000 रुपये। तीसरी फिल्म थी जीत, और जीत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाए थे 16,13,00,000 रुपये। वही चौथी फिल्म थी घातक, घातक फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 15,13,00,000 रुपये। वही पांचवी फिल्म थी अजय, और अजय फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कमाई की थी 9,18,00,000 रुपये। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे सनी देओल सर की जो 1996 में 5 फिल्में रिलीज हुई थी, इन पांचों फिल्मों ने कंबाइंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था टोटल, वो था 49,36,00,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1996 में सनी देओल सर की फिल्मों ने सबसे ज़्यादा कमाई की थी। आपको एक बार फिर से लिस्ट रिपीट करके बता देता हूँ। नंबर 8 पर संजय दत्त, जिनकी फिल्मों ने कमाए थे 3,41,00,000 रुपये। नंबर 7 पर शाहरुख खान, जिनकी फिल्मों ने कमाए थे 16,54,00,000 रुपये। नंबर 6 पर गोविंदा, जिनकी फिल्मों ने कमाए थे 21,77,00,000 रुपये। नंबर 5 पर सलमान खान, जिनकी फिल्मों ने कमाए थे 23,05,00,000 रुपये। नंबर 4 पर अजय देवगन, जिनकी फिल्मों ने कमाए थे 23,91,00,000 रुपये। नंबर 3 पर अक्षय कुमार, इनकी फिल्मों ने कमाए थे 25,86,00,000 रुपये। वहीं नंबर 2 पर सुनील शेट्टी, जिनकी फिल्मों ने कमाई की थी 29,15,00,000 रुपये। वहीं नंबर 1 पर सनी देओल, जिनकी टोटल फिल्मों की कमाई थी 1996 में 49,36,00,000 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1996 में उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार सनी देओल सर थे। हालांकि दोस्तों इस वक्त सभी सुपरस्टार काफ़ी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 1996 के बाद क्या आप 1997 का भी सेम वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।